पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की वर्षी पर भारतीय जनता पार्टी काला दिवस व आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिशेरानंद गोस्वामी ने कहा कि 47 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता में देश पर आपातकाल थोप दिया था। इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं को जेल व नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की। मौलिक अधिकारों को कुंद कर दिया गया। लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन के कारण अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी समेत कई विपक्षी नेताओं को यातनाएं सहनी पड़ी। भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को जेल के सलाखों के भीतर 19 महीने काटना पड़ा। गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस व कांग्रेस से निकले दल में आज भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। देश के अधिकतर पार्टी परिवार तक में सिमट चुकी है। देश की अधिकतर पार्टियों वंशवाद कुसंस्कृति की परिचय बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। लोकतंत्र के समर्थन भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति आस्था रखती है। लोकतंत्र की हत्या और इंदिरा के तानाशाही रवैया व आपातकाल के खिलाफ 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में काला दिवस व आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। आपातकाल विरोध दिवस पर प्रदेश कार्यालय में आपातकाल के खिलाफ व लोकतंत्र बहाल करने के आंदोलन में शामिल नेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय समेत जिला कार्यालय में भी वर्चुअल माध्यम से व कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता डॉक्टर सूर्यमणि सिंह, मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा उपस्थित। आचार लोकतांत्रिक है, इसलिए हमारे पार्टी के विस्तार में भी जो आज से हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, आज प्रदेश का ई चिंतन आज से शुरू हुआ, लगभग 350 कार्यकर्ता, तो उसमें भी एक जो विषय सब आने वाले है उसमें हमारा जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, उसके बारे में भी आने वाले समय में विषय आएंगे। तो हम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होता है, जो तरुण सम्मिलित होता है या किसी भी उम्र का व्यक्ति जब बीजेपी में सम्मिलित होता है, तो पार्टी के विचारधारा, पार्टी के की जो कार्य पद्धति है उसको हम समझाने का काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी निचली इकाई, जिसको बूथ इकाई कहते हैं, से लेकर के केंद्रीय इकाई तक हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवहार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे पार्टी का भी जो संगठन का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सन 1975 को इस देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। उसके पूर्व सन 1974 में बिहार के छात्रों ने एक बड़ा छात्र आंदोलन विभिन्न मुद्दों को लेकर खड़ा किया था, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया। और कालांतर में बिहार का जो छात्र आंदोलन था वो देश के जन आंदोलन के रूप में वहां परिवर्तित हो गया। इसी बीच रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी सांसद चुनी गई थी। तो एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का आरोप का राज नारायण का एक मुकदमा था, जिसको उसकी संसद सदस्य को 12 जून सन 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया गया। उसी समय देश में व्यापक आंदोलन चल रहा था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, कई प्रकार के चुनाव में परिवर्तन, ऐसे सब मुद्दे अलग अलग उछल रहे थे। अंततः 25 जून की रात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित किया, और देखते ही देखते लगा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आजादी के दीवानों ने जो बलिदान के आधार पर देश को आजाद किया था, एक सपने थे, वो सपनों के तहत देश चल रहा था, तो एकाएक तानाशाही रवैया अपनाई गई, प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया, वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में भेज दिया गया। इतना क्रूर रवैया अपनाया गया
कि केवल 100 प्रशंसा जो सरकार करे तो करें, वही सही है। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, भाषण, अखबारों में आलेख, ये सारे बंद कर दिए गए या तो सेंसरशिप के लिए स्थानीय पदाधिकारी देख करके ही समाचार पत्र का संपादकीय अप्रूव होगा, तभी समाचार पत्र में वो संपादकीय छपेगा। इस प्रकार के वो काले दिन थे। सभी लोगों ने, खासकर कई समाचार पत्रों ने भी लोकतंत्र बहाली के आंदोलन को बखूबी लड़ा। देश में तो धराएं चली, एक कांग्रेस की अगुवाई में तानाशाही रवैया और दूसरा देश में लोकतंत्र बहाल का आंदोलन। सत्याग्रह होने लगे और हमें इस बात का गर्व है, उस समय के आंदोलन में जो लोकतंत्र बहाल का आंदोलन था 1975 से लेकर 1977 तक, तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती दल रहा भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक कार्यकर्ता जेल में रहे। हमारे उस समय के जो बड़े नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण अडवाणी, उन्हें आपातकाल के तुरंत घोषित होने के तुरंत बाद ही जेल में फूंस दिया गया। तो लोकतंत्र बहाल के आंदोलन का नेतृत्व, अगुवाई भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया और देश के सभी लोग, चाहे जिस भी दल के हों, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े थे, उनका अभूतपूर्व योगदान उस आंदोलन में हुआ। 19 महीने तक कई लोग निशा के तहत जेल में बंद कर दिया गया। एक बार तो यह लगता था यह अंधेरी काली रात, इसका सवेरा होगा ही नहीं, इस प्रकार का लगता था। लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज उनमें से कई लोग हम सब के बीच में नहीं है, जिन्होंने दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा। हमने देश को आजाद किया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस आजादी को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का नाकाम कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी एक बड़ी लड़ाई देश में हुई, जिसको आजादी की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि 25 जून की रात को आपातकाल घोषित हुआ, तो 25 जून को हम इस वर्ष काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एक ब्लैक डे होगा 25 जून और हम एक्सपोज करेंगे कांग्रेस पार्टी। तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम किया है आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिशें हुई है, कई लोग आपके साथ फिलहाल विचारधारा के लोग जो को समर्थन कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए, देश में एक बहस चला बीच में कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेसी संस्कृति मुक्त भारत। मैंने शुरू में भी बोला, जो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और आपातकाल 1.5 साल उन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल गला घोटने का काम किया था, उस समय की सारी बातों को 25 जून को प्रकाश में आएगा। आज विडंबना इस बात की है कि देश के कई राजनीतिक दल, वहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया, वहां उनकी कार्यप्रणाली में लोकतंत्र है ही नहीं और कई राजनीतिक दल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर के आप पश्चिम बंगाल तक देखेंगे या महाराष्ट्र तक देखेंगे, कई जगह पर जिसका लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्वयं कहा करते थे कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपने बातों के सार में बता दिया कि हम लोकतंत्र